केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आम करदाताओं को इस बजट को लेकर काफी उम्मीदें थीं और उनकी झोली भी भर गई है। सरकार ने इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ा दी है। आयकर छूट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 5 लाख तक आमदनी वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि 5 से 7.5 लाख रुपए की आमदनी वालों को 10% टैक्स देना पड़ेगा, जिन्हें अब तक 20% देना पड़ता था। जिनकी आमदनी 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक है, उन्हें अब 15% टैक्स देना होगा। वहीं जिसकी आमदनी 10 से 12.5 लाख रुपए है, उन्हें 20% टैक्स चुकाना पड़ेगा, जो अब तक 30% टैक्स दे रहे थे। 12.5 लाख से 15 लाख रुपए की आमदनी वालों को 25% टैक्स चुकाना पड़ेगा, जिन्हें अब तक 30% देना पड़ता था। वहीं जिनकी आमदनी 15 लाख रुपए से ज्यादा है, उन लोगों को 30% टैक्स चुकाना पड़ेगा। चलिए आपको दिखाते हैं नया आयकर स्लैब। 0 से 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 5 से 7.5 लाख तक 10% टैक्स, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% टैक्स, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20% टैक्स, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% टैक्स, वहीं 15 लाख के ऊपर वाले आमदनी पर 30% टैक्स। चलिए इसी के साथ पुराना इनकम टैक्स स्लैब भी देख लेते हैं। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स, वहीं 10 लाख से ऊपर आमदनी पर 30% टैक्स। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल देश और दुनिया से जुड़ी अन्य खबरों के लिए।